हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111 ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर करंट एनर्जी फीलिंग्स थॉट्स नेक्स्ट एक्शन सब कुछ आज हम जानेंगे आपके पर्सन के बारे में सो so रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा सो so शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज बताते हैं आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो एक कार्ड नीचे गिर गया था सो so, अगर आप हाँ नए हैं मेरे चैनल पर आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा सो so, अब हम स्टार्ट करते हैं आजकल मैं ज़्यादा कलेक्टिव रीडिंग्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है आजकल मैं थोड़ी सी बिजी हूँ सो so, जैसे ही मेरे पास टाइम आता है मैं ऐपे के कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ सो so, सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी लेंगे और सिक्स कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए सो so, सबसे पहले हमारे पास है पावर पावर स्ट्रगल हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन में देन वी हैव रिस्क सो मे बी आपके पर्सन uh, हर चीज अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं पावर चाहिए उन्हें सिचुएशन पर कंट्रोल चाहिए एंड उनको लगता है कि एक रिस्क है फिर हमारे पास इनविटेशन हो सकता है ये इंसान आपको कहीं पर इनवाइट करें इनविटेशन दें इन एंड आउट सो हो सकता है कि ये इंसान इन एंड आउट हैं बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से चीटिंग एंड ऑलमोस्ट देयर सो मे बी आपको कोई डाउट है कि ये इंसान आप पर चीट कर रहे हैं आपके साथ ट्रू नहीं है हो सकता है कि आप उनकी जासूसी में भी करने की आपने कोशिश की है एंड यूर ऑलमोस्ट देयर कि आपको पता चल जाएगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज था सबके लिए नहीं था सो ओवरऑल आई फील कि इंसान में भी इन एंड आउट हैं आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट uh, नहीं कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि इंसान पावर चाहिए इन्हें कंट्रोल चाहिए सिचुएशन पर उनके नज़दीक ये एक रिस्क है सो लेट्स सी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है हैव व्हील ऑफ फॉर्चून उनकी करंट एनर्जी देखने लगे हैं हम पेज ऑफ सोर्स ये स्पाइंग का कार्ड आ गया है सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है फिर है एट ऑफ कप्स सो ये इंसान बहुत ज़्यादा बोर नजर आ रहे हैं डिसटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं लेट्स सी बहुत सारे आगे नहीं हम लेंगे कार्ड्स मैं इंटोएटिवली निकालूंगी सो वी हैव द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास है द चैरी सो so, ये इंसान चॉइस लेना चाहते हैं ये इंसान चूज करना चाहते हैं लव ये इंसान लविंगली फैसला लेना चाहते हैं कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं कि जो लविंग हो जो हाईएस्ट गुड में हो सबके सो so, ये उनकी करंट एनर्जी है अभी हम स्पेसिफिकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स देखेंगे बट ये है कि वो आजकल कैसा फील कर रहे हैं उनका फोकस आजकल क्या है ये मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ सो आई फील कि वैसे ये इंसान बिल्कुल डिससेटिस्फ़ाइड हैं खुश नज़र नहीं आ रहे हैं बड़ी आइसोलेशन नज़र आ रही है अकेला टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं वो चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कोई वो ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत बोर हो गई है एक जैसा सब कुछ चल रहा है बहुत अरसा हो गया है बहुत टाइम से चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं ज़िंदगी एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है अब मुझे ज़िंदगी में चेंज चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है पता नहीं मेरी ज़िंदगी में फ्यूचर में क्या है ये इंसान फ्यूचर को लेकर बड़े क्यूरियस हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा क्या लिखा है मेरे फ्यूचर में मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है सो so बड़ा कुछ इस तरह का ये इंसान आजकल सोच रहे हैं और मेनली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान इनको चेंज चाहिए ज़िंदगी में बिकॉज़ ये बहुत बोर हो चुके हैं जिंदगी बहुत आइसोलेटेड सी हुई हुई है उनकी और उन्हें ज़िंदगी में अब कोई चेंज चाहिए कोई अच्छा चेंज कोई बड़ा चेंज और इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि वो अपनी लव लाइफ के बारे में भी सोच रहे हैं अभी स्पेसिफिकली आपके लिए देखेंगे उनकी फीलिंग्स उनकी लव लाइफ़ में हो सकता है आपके अलावा कोई और चॉइस भी है दो लोगों में उन्होंने चूज़ करना है ये लिटरली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है बट ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं है बट ये इंसान कुछ डिसाइड करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो मे बी वो आपको परस्यू करना चाहते हैं आपके लिए कुछ करना चाहते हैं सो so, ये ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी और आप देखिए कि उससे भी नीचे हमारे पास द हमिट है जिसका मतलब ये है कि यस ये इंसान सोल सर्चिंग कर रहे हैं ये इंसान थोड़े से लॉस्ट हैं और इनके मन में बड़े सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें चाहिए सो बेसिकली उन्हें अपनी ज़िंदगी में अब चेंज चाहिए वो चेंज के लिए रेडी हैं सो लेट सी ये इंसान सो मे बी आपको इसलिए लग रहा है कि वो आप पर चीट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई और ऑप्शन है बट आई डोंट फील कि वो उस ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं अगर है भी तो उनका फोकस आई फील कि बस आप हैं लेट्स सी फिर भी देखते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं वी हैव टेन ऑफ वांट्स सो कोई परेशानी है रिस्पॉानसिबिलिटी uh, लेना चाहते हैं वो आपकी इस कनेक्शन की बट कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं ज़िंदगी में वाओ wow! ये कन्फर्मेशन आ गई द चैरियट अभी पहले उनकी एनर्जी में आया था और मैंने आपको बोला था कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपको परस्यू करना चाहते हैं और ये अब आपके लिए उनकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं तो यस yes, ये इंसान आप आपकी तरफ आना चाहते हैं बट विद द टेन ऑफ वॉर्नस ये इंसान इनके दिल पर बड़ा बोझ है या यूँ कह लें कि काम का बोझ हो सकता है या उनके घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आ, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल में भी नहीं हैं आपके लिए वी हैव द टावर आई फील आप दोनों के दरियान ये टावर मोमेंट आ चुका है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है और ये इंसान बहुत डाउन है और आइसोलेशन में आजकल इसलिए भी हैं बहुत ज़्यादा डाउन और सैड और डिसकनटेंट और बोर जो फील कर रहे हैं वो इसलिए भी बिकॉज आप दोनों के दरमियान फ़ाइट हुई हुई है और उसका अफेक्ट उनके ऊपर है जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द जैक पर हमारे पास से पेज ऑफ पेंटिकल्स और उससे भी नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स वाओ सो ये इंसान ऑफ कोर्स आपके साथ यू नो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं सो so ये आपकी जो फाइट्स हो रही हैं ये जो कुछ भी ओ माई गॉड उससे भी नीचे फोर ऑफ़ वॉन्ट है सो so ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं लॉन्ग टर्म आपको यू you नो know, Uh, अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं है बट राइट नाउ आप दोनों के दरमियान चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से ये इंसान बहुत डाउन है वो सोचते हैं कि एक कदम आगे ले फिर तीन कदम पीछे हो जाते हैं फिर दो कदम आगे लेने का सोचते हैं फिर तीन क़दम चार कदम पीछे हो जाते हैं बिकॉज़ दे फील के दिस इज़ नॉट द राइट टाइम आई ऑल्सो फील के मे बी वो ये फ़ील कर रहे हैं Uh, कि उन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए था सो so, इस वजह से ये इंसान आपको अपोलोजी ऑफ़र कर सकते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है कि मे बी uh, ये इंसान आपको अपॉलोजी ऑफ़र करेंगे कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं आपको मे बी आपको अपने साथ बाहर लेकर कर जाएँ कहीं ये भी हो सकता है बट uh, ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ कोई ना हुई है आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया है और वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली सो so, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं जस्टिस कार्ड को कि क्या अनफेयर है जो वो सोच रहे हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स सो मे बी उन्होंने आपसे कुछ छुपाया और आपको लगा कि ये हमेशा से आपको चीट करते आए ये चीटर हैं Uh, उनकी से एक से आपको ये डाउट होने लग गया उनके ऊपर सोने so बड़ा दुख है कि उन्होंने जो भी आपसे छुपाया उन्हें नहीं छुपाना चाहिए था उसकी वजह से आपके मन में डाउट आ गया सो so ये बड़ा अनफ़ेयर था आपके साथ उन्हें आपसे सच बोलना चाहिए था हमेशा उन्हें आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए सो so ने इस बात का भी बोझ यही बोझ है उनके दिल पर कि काश वो आपसे झूठ ना बोलते आपकी नज़रों में ना गिरते उनको उनके जहन में ये चल रहा है कि उन्होंने आपसे सच क्यों नहीं बोला उन्हें आपसे सच बोलना चाहिए था ये इंसान ये सोच रहे हैं और अब वो आपसे बात करना चाहते हैं अपोलोजाइज करना चाहते हैं एंड कोर्स आपसे प्यार करते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं बट कोई बात थी कोई रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोला और आपको सच बताया नहीं या फिर आपको लेस इन्फॉर्मेशन दी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपने बारे में अपनी लाइफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको नहीं दी जिसकी वजह से मे बी आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई या फिर वो बात अचानक किसी ना किसी अंदाज़ में आपके सामने रिवील हुई तो आपको लगा कि शायद ये हमेशा से आपसे झूठ बोलते हैं और बातें छुपाते हैं हालाँकि वो इंटेंशनली शायद आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे सो आई फील कि जो भी होना था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान हो चुकी जिस पर ये इंसान बहुत डाउन है और वो ये काश ऐसा ना होता काश चीज़ें डिफरेंट अंदाज़ में होती सो so वो कभी आपके साथ अनफेयर जानबूझ कर नहीं होना चाहते हैं वो ये फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके लिए सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स और थाट्स आपके पर्सन की ओके सो वी हैव मजिशन एंड द मिरर नंबर फिफ्टी थ्री सो वो आपको मैनीफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान आपको मैनीफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान आपसे बात करेंगे कॉन्टैक्ट करेंगे डेफिनेटली आई फील एंड देन वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर फोर्टी फोर सो वो ये सोच रहे हैं कि आप अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अभी भी आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपका प्यार उनके लिए बहुत ट्रू और अनकंडीशनल है नंबर थर्टी सिक्स सेकेंड चाक्रा जो कि सेक्रल चाक्रा है सो आई फील कि ये इंसान आपको बहुत क्रेव कर रहे हैं नंबर ट्वेंटी टू यिन एंड एंग और ज़्यादा फिज़िकल वे में यू you नो know, बहुत आपकी एनर्जी को आपके टच को क्रेव कर रहे हैं सो so बहुत ज़्यादा उनको हैप्पीनेस फुलफ़िलमेंट महसूस होती है आपके साथ जब वो होते हैं इनर्जेटिकली भी और अगर आप यू नो फिज़िकल आपका उनके साथ हुआ है इंटरेक्शन उस तरह से यू नो वन टाइम सेनी वे ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस हवाले से भी और प्यार भी आपसे करते हैं एंड दे फील कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और आपके बिना वो इनकम्प्लीट हैं सो दिस इज़ यिन ये आप कह लें कि ट्विन फ्लेम, सोल मेट, एनर्जी है दोनों एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं लेकिन एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं राइट सो so, आपके पर्सन यही सोचते हैं और इस वक्त भी यही सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं बट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड भी करते हैं सो विद द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं चाहे मेल हो या फीमेल एंड दे नो कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं चाहे आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप हो नाराज़गी हो वॉटैवर लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं वी हैव द ट्राइब एंड बाय द बुक ये है नंबर अलेवन और यह है नंबर एट सो यस एट ऑफ कप्स पहले आया था ओके सो अगेन विद द ट्राइब फैमिली कार्ड है और ये टेन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया फैमिली ट्रेडिशन यू नो सो आई रियली फ़ील कि आपके पर्सन आपके साथ लिटरली बाय द बुक चलना चाहते हैं आपके साथ फेयर होना चाहते हैं और दे रियली फ़ील के आप दोनों एक दूसरे के सिस्टम में एक दूसरे की फैमिली में बड़े अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे आप दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं दिस द ट्राइब कार्ड दे रियली फ़ील के आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं जस्ट फील कि ये इंसान ये फील कर रहे हैं इस कार्ड के साथ और फिर विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स भी ये इंसान ये सोचते हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं एक दूसरे के फैमिली एक दूसरे की फ्रेंड्स और बिल्कुल एक दूसरे के सिस्टम है बहुत अच्छे से हम एडजस्ट कर सकते हैं आपके पर्सन यही सोच रहे हैं आपके लिए और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी वो अपने फैमिली को आपके बारे में बताने का सोच रहे हैं और जो पहले हम उनकी एनर्जी में डिसीजन देख रहे थे कि उन्होंने लेना है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन वो यही हो सकता है कि मे बी वो अपनी फ़ैमिली को बताने का सोच रहे हैं आपके बारे में सो लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं क्या फील कर रहे हैं आपके लिए सो हमारे पास है रिलीजियस फैक्टर्स सो हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हों एंड देन प्लेफुलनेस बट इस कार्ड का ये मतलब भी है कि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्परिचुअल है एंड विद दिस प्लेफुलनेस अगेन ये इंसान वही लाइट हार्टड लविंग एनर्जी क्रेव कर रहे हैं जो आपके साथ होती है राइट एंड दैन दिस टाइम प्लेफुल टाइम उनका बहुत दिल करा कि आपके साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम प्लेफुल टाइम स्पेंड करें एक लाइट हार्टेड टाइम बिकॉज मे बी काफ़ी टाइम से आप लोग नहीं बिता पाए हैं ऐसा वक्त सो दे रियली वट आपके साथ एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हैं एंड विद दिस सेक्रल चाक्रा और प्लेफुलस अगैन ये वही फ़िज़िकल अट्रैक्शन uh, और uh, थोड़ी सी वो एनर्जी है लाइक दे वॉन्ट टू टच यू होल्ड यू यू नो सो ये इंसान ये फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके लिए सो लेट्स सी नेक्स्ट वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल एट अ टाइम फॉर हीलिंग सो मे बी आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ जिसे हील करने की ज़रूरत है बट आई फील उससे भी ज़्यादा मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो चाहते हैं कि कनेक्शन हील हो और वो चाहते हैं कि आप उन्हें टाइम दें और वो आपको टाइम दें और इस टाइम में आप दोनों हील करें सो so, फिलहाल ये इंसान कोई एक्शन ले नहीं रहे बट डेफिनेटली इन नीयर फ्यूचर ये इंसान आपको अपोलॉजी <clears> ऑफर <throat> करेंगे आपके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा हील हो जाएगा बट क्योंकि ये आप लोगों के दरमियान टावर मोमेंट आया है आ, लड़ाई हुई है ब्रेकअप हुआ है आई फील जो भी हुआ है आ, उसको थोड़ा सा काम डाउन होने में टाइम लगेगा सो so इस वजह से इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आया है कि अभी ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ी स्पेस वो आपको दें और थोड़ी सी स्पेस आप उनको दें ताकि आप दोनों इस टाइम में हील करें एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल बिलीव करें कि आप दोनों का फ्यूचर है बिलीव करें Uh, इस रिलेशनशिप की गुडनेस पर और पॉजिटिविटी पर के आगे पॉजिटिविटी हो सकती है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इस पर बिलीव करें सो so ये इंसान ये चाहते हैं सो so अब हम इनकी तरफ से बल्कि नहीं पहले गाइडेंस आपके लिए फिर चैनल मैसेज लेंगे सो so इस कार्ड पर लिखा है फ्रीडम देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्टेड टू बी सो आपके पास भी आपकी फ्री विल है उनके पास भी है बट मैं फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी कि आप उनको थोड़ी सी फ्रीडम दें थोड़ी स्पेस दें और अपनी भी स्पेस लें एक्सक्यूज़ मी सो जैसे इसके ऊपर लिखा है टाइम फॉर हीलिंग और इस फ्रीडम के टाइम में इसमें आप हील करें सो so बेसिकली ये टाइम आप लोगों की हीलिंग का चल रहा है और फिर ओवरऑल भी अपने कनेक्शन में एक दूसरे को फ्रीडम दें इसका ये मतलब भी है एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. So जो भी blessing है, जो भी आपके लिए goodness है, सारी situation में बहुत जल्दी reveal होगी आपके सामने. So अभी आप इन चीजों को understand नहीं कर पा रहे हैं, but with time आप सब कुछ understand कर लेंगे. Blessing जो भी है इसके पीछे वो reveal हो जाएगी. सो so, इस पर लिखा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सो कुछ लोगों को लिटरली मंथ्स हो सकते हैं रिकन्सिडर सो so, जो भी फैसला आपके पर्सन ने किया अगर तो इस ब्रेकअप में उन्होंने ये बोला कि अब आप, मुझे आपसे दूर जाना है हमेशा के लिए वो री कर रहे हैं इस फैसले को ऑब्वियसली रिकन्सिडर क्या करना है आप ही के साथ वो आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और उन्होंने बहुत सोचा है इस बारे में और अगर आपने भी कोई फ़ैसला कर लिया है तो आप भी उसको दोबारा से कंसिडर करें कि क्या ये फ़ैसला सही है क्या ये फ़ैसला मैंने जज्बात में तो नहीं किया गुस्से में तो नहीं किया सो so, अगले चंद महीनों में आपकी सिचुएशन काफ़ी हद तक बदलेगी काफ़ी चीज़ें रिवील होंगी काफ़ी कुछ आ, आप अंडरस्टैंड करेंगे सो so, अगले चंद महीने आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेट्स आपके पर्सन अगर आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस और इसके बाद हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे आप अपने जहन में अपना क्वेश्चन अभी से रख लीजिए येस और नो सो लेट सी इस पर लिखा है आई हैव क्राइड ओवर यू सो ये इंसान आपके लिए रोए हैं मिसिंग यू कम्स इन वेव्स टू नाइट आई एम ड्राउनिंग सो आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उन्हें खास तौर पर या आज रात अगर तो आप दोपहर में ये रीडिंग देख रहे हैं आज रात ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस सो यस ये इंसान फेयर होना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जैसा कि पहले हमने जस्टिस कार्ड भी देखा इट्स नॉट गोना वर्क आउट सो मे बी उन्होंने आपसे पहले ये बोला कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट बट आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस अब वो ये सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिकन्सिडर किया है इसलिए अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे चीज़ों को ठीक करना है मुझे ऐसे नहीं छोड़ देना बिकॉज आई नो नाउ वट आई हव लॉस्ट बिकॉज जब आप उनसे दूर गए तो उन्हें रियलाइज हुई है आपकी अहमियत माई बिगेस्ट रिगरेट इज लेटिंग यू गो आपको जाने देना उनके लिए सबसे ज़्यादा पछतावे की बात है उन्हें तकलीफ़ है एक्सक्यूज oh. मी <coughs> कि उन्होंने क्यों आपको जाने दिया टू गुड टू भी ट्रू सो समटाइम्स वो फील करते हैं कि इट्स टू गुड टू भी ट्रू ये अन रियल है इट्स ओके टू मूव ऑन योर हार्ट विल हील सो मे बी उन्होंने आपसे ये बोला था इट्स नॉट ग वर्कआउट और आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए बट आई एम कमिंग सो ये इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस वो नहीं आपसे दूर रह सकते सो so अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे आप फोकस रखिएगा अपने क्वेश्चन पर हम आपका आंसर देखेंगे और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है लाइफ बाथ नंबर हाउस नंबर कार नंबर तो शुरू करते हैं येस और नो से हमारे पास है डब्ल्यू एन एम ओ ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको एट 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 ए डी एल सेवन तो आपका आंसर है मे बी के सो इट्स अ सेवेन सेवन सेवन पी वाई एफ पी फोर बी आई यू B M O L S M number five eight 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 V N two E J P J one एंड यू सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं और ये आपकी रीडिंग थी कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो so जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनीफेस्ट करना चाहते हैं न्यू लव ट्रू लव आप ज़िंदगी में ज़रूर मेनीफेस्ट हो और ज़रूर होगा क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल अपने आप को ये ज़रूर बताया करें अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन लव यू लॉड्स बाय